अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आई आई यू आई इवेंट्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मूजी मरज के बाद तमाम जामियात को और तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ गैर तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, जिसमें क्रिकेट समेत बाकी तमाम स्पोर्ट्स के ट्रायल्स और गेम्स का आगाज़ किया जा रहा है। व्यूअर्स, दो साल के पेंडेमिक के गैप के दौरान यूनिवर्सिटी समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई स्पोर्ट नहीं हुई, तमाम के तमाम ग्राउंड्स बंद थे और किसी किस्म की गैर तालीमी सरगर्मियाँ की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब दो साल के गैप के बाद मरज़ में कमी के बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ग्राउंड्स को खोलने का और आबाद करने का फ़ैसला किया है, जिसमें दो साल बाद अब यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के साथ साथ दीगर तमाम स्पोर्ट्स के भी ट्रायल्स लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के ट्रायल्स यूनिवर्सिटी हार्डबॉल ग्राउंड के अंदर 13-14 अक्टूबर को बरोज़ बुध और जुमे रात को सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड शाम तक लिए जाएंगे, जिसमें होस्टलाइट और डे स्कॉलर कोई भी तालिब इल्म आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। आप आएँ, अपने ट्रायल्स दें, अपना टैलेंट दिखाएं और यूनिवर्सिटी टीम में खेलने का मौका पाएं। 15 के रेस्ट के बाद 16 और 17 दो दिन आपको ट्रेनिंग मैचेस दिए जाएंगे, जिसमें आपको मैचेस का डिसिप्लिन आपका चेक किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि इससे पहले एक दिन दिया जाता था मैचेस के लिए और एक दिन में लड़कों को चेक किया जाता था, लेकिन अब आपको दो मैचेस मिलेंगे जिसमें आपको ज़्यादा चांस मिलेगा और आप अपने स्किल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की प्रोमिनेंट बात यह है कि बाकी तमाम जगहों से हटकर यहाँ पर दो दिन के लिए ट्रायल्स रखे जाते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा चांस मिलता है अपना स्किल दिखाने का। उनमें जो लड़के शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद उनकी टीम्स बनाकर उनको प्रैक्टिस मैच दिया जाता है, जो कि और कहीं नहीं होता, सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू लड़के बनकर आगे निकलते हैं और इसी ग्राउंड के अंदर से बहुत से लड़के अच्छी जगहों क्रिकेट खेले। हारिस रऊफ इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो कि इसी ग्राउंड से खेले और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी और पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। आप सब तलबा से गुजारिश है कि जो भी यहाँ पर ट्रायल्स देने आए, उनसे गुजारिश है कि प्रॉपर किट के अंदर, शूज़ के अंदर, ट्राउज़र शर्ट बाकायदा पहनकर, जो बैट्समैन है अपना बैटिंग का सामान साथ लेकर, SOPs का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर और अपना अपना सामान लेकर आएँ, ताकि कोशिश करें कि आपको किसी का सामान यूज़ ना करना पड़े और आप बाकी झंझटों से बचे रहें। और अगर आप भी समझते हैं कि आप में टैलेंट है और आप पाकिस्तान के लिए हारिस भाई की तरह खेल सकते हैं, तो ज़रूर आएँ और अपना टैलेंट शो करें। बेस्ट ऑफ लक।